आज हम लोग बात करेंगे अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार सूर्यवंशी के बारे में। दोस्तों जोरों से सूर्यवंशी का जो है प्रमोशन चालू हुआ, पहले दिन का रिकॉर्ड है उनका जो कि 26 के ऊपर ही उन्होंने 26 लाख कुछ 29 लाख की कलेक्शन की थी। और जैसा लगा कि सैटरडे को उछाल होगा लेकिन सैटरडे को उछाल नहीं हुआ और सैटरडे को जो है एक बैग जो है 23,85,000 तक आ गया। फिर उसके बाद जो है हम लोग सोचे कि संडे के दिन कुछ होगा लेकिन संडे के दिन कुछ नहीं हुआ। संडे के दिन कुछ 27 करोड़ और कुछ आसपास पहुंचा। तो दोस्तों ये सब मिला करके जो है कल का जो है सोमवार को भी सोचे थे कुछ होगा लेकिन जो है सोमवार को भी जो है 14 करोड़ कुछ आसपास आया। मतलब ये सब पूरा टोटल मिला के 91 करोड़ हो रहा है सूर्यवंशी का कलेक्शन। जिसके हिसाब से देखा जाए तो ये नहीं कुछ हो तो आज के तौर पे इस मूवी को कम से कम नहीं कुछ हो तो आज 4 दिन का कलेक्शन पकड़ के 110 करोड़ होना चाहिए था, 120 होना चाहिए था, 110 करोड़ होना चाहिए था, नहीं हुआ, कम से कम 91 करोड़ हुआ। अब जो है आज है मंगलवार, वर्किंग डेट है, क्या होगा। तो दोस्तों ये मूवी का जो है धीरे धीरे कलेक्शन गिरते जा रहा है लेकिन पब्लिक जो है इतना दिन से घर में बैठी थी एंजॉय करने को नहीं। रोहित शेट्टी ने बनाया, कमर्शियल फिल्म बनाया और पब्लिक देखने आई और देख भी रही है, उन्हें जो है अच्छा लग रहा है। जब तक छुट्टी था तब तक देखी और जो है अब जो है वो मूवी जो है थोड़ी स्लो हो गई है। अब आज का कल का परसों का मिला करके नहीं कुछ होगा तो ये मूवी जो है गुरुवार तक जो है 120 करोड़ तक बिजनेस कर लेगी, जहाँ तक मेरा तक अंदाजा है। अब बाई चांस कुछ राम भरोसे अगर चमत्कार हो गया तो ठीक है, जहाँ तक 150 करोड़ होना चाहिए वहाँ देखा जा रहा है 120 करोड़ जाएगा। तो अगले हफ्ते पकड़ लो, अगले हफ्ते एक मूवी और आने वाली है तो थिएटर बढ़ जाएंगे, कुछ कम हो जाएगी तो कम हो जाएगी तो नहीं कुछ होगा तो मतलब तो भी जो है उस हफ्ते में भी बिजनेस कर लेगी। दो हफ्ते में ये बिजनेस थोड़ी बहुत हो जाएगी, तीसरे हफ्ते में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 4 हफ्ता मिला है, 4 हफ्ते के बाद ये मूवी OTT पे जाएगी। तो दोस्तों मूवी ये चल रही है जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है, स्लो चल रही है लेकिन तभी भी जो है सबसे अच्छी चल रही है। अब जो भी है थोड़ी बहुत है, दर्शक चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, दर्शक चाहे तो गिरा भी सकते, दर्शक चाहे तो उठा भी सकते। तो ये थोड़ा जो है रोहित शेट्टी सर आए थे उन्होंने थोड़ी कमी की और लास्ट तक प्रमोशन करते करते लास्ट में उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। चलो जान दो, जो है वो है, देखेंगे कितना कलेक्शन होता है। बस दोस्तों जिस किसी ने ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वो घंटी बजा दो, जब भी आपको वीडियो डालूँ आप देख सकते हैं। और रह गया दूसरी बात कि मैं अपने दम पे हूँ और जो कि मैं बोलता हूँ खर्रा बोलता हूँ, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मैं अपना घर चला रहा हूँ मुश्किल से, वीडियो बना रहा हूँ, हर एक चीज़ कड़ी सी से, मूवी भी देखने जाऊँगा तो बड़ी परेशानी से ही देखना पड़ता है, तो कोई मूवी तो कुछ दे नहीं रहा, ना तो कोई पगार दे रहा ना तो कुछ दे रहा। तो दोस्तों मैं जो बोलता हूँ रियल बोलता हूँ, चाहे किसी को मैं फ्लॉप लगूँ या हिट लगूँ उसका सवाल नहीं है मुझे, और मुझे ऑल वर्ल्ड देख रही है, उनको हिट हूँ तो मैं हिट रहूँगा। बस दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।